सोनू टैक कैसे? बच्ची है तू तो पीहर में जाकर बैठ जाएगी। अरे भैंस क्यों भाई? भैंस के तेरी बहू का हेरवा करे के फर्क मारे तो करण भी लगे। जब भैंस के धोरते भैंस खुल के जावे तो हेर तो आपको ही करेगी। पर बात यू ना है, यू भैंस जो है ना इसके हाथ तल लग रही है। जहां यू करीम पाउडर सा मड़के इसके तले बैठी और यू गैल पावसी। मैं चाहे सारे दिन इसके थन पकड़ के लटका रहूं पर फिर भी दूध नहीं उतारती। अरे मगा मैं तेरा अगर हाथ जोड़ू पीहर जाने को रहने दे। कुछ भी हो मैं तो अपने मायके जाकर ही रहूंगी। यह उठाया बैग और मैं चली। गुड बाय। अरे तो चल दी। अरे गुड बाय ना तेरे निरी बाय होवेगी लंका। पति की बात तो ना मान के लुगाई सुख में रहवे। रहा हाथ जोड़ी की लाज ना राखी। बताओ भाई क्या करें। दिखे लाला जब मैं तेरी उम्र में था ना तो तेरी ताई ने लाठी के बल पर रोक देवा था और तेरे पर हाथ जोड़ने से न रुकी। रह जान दे क्यों अपनी पावर घटावे दांत ऋषि काट के। ठीक कहता हूं। ले भाई गुल्लू बहू तो चली गई, दूध का भी टाइम हो गया। भैंस के डोक के काट दू तो कैसे काट दू? छोड़ भी नहीं सकता, चार से डोक के दे। अरे एक बात याद आई दिमाग में, क्यों ना होठों पर सुरकी लगा के और बहू के लत्ते पहर के भैंस के तले बैठा जावे। यू आइडिया ठीक है, यू के सुसरी पिछाण कर रही है। ए चुल्ले बनिया ना बिल्कुल बहू जैसा। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन, शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। अब काट दूंगा दूध। चलो उठाओ बाल्टी। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। अंधन के भंडार भरे रहे माई, तुम्हारा सुहाग बना रहे माई, तुम्हारे बच्चे बने रहे माई। दूधो नहाओ पूतो फलो भिक्षा दो माई। पूरा ही क्रम का इंडिया का दिखे आज तो। अभी लो बाबा दूध की बाल्टी रखी हूं भीतर। लो बाबा भिक्षा। अरे भैया अरे मर गया। अरे 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 रुक तो सही, महाराज के बच्चे कहां भगे जावे। अरे क्या बात है भाई, क्यों भाज रहा है चूना लेना के? अरे के बताऊं यार, चून के चक्कर में मेरा खून हुआ उत्ताज। अरे एक कग बिलांद की मूछ, होठो में लाली, गल्लो में करीम और लत्ते लुगाई के। आधी लुगाई आधा लोग, पता ना के बवाल है यू। हम भाई रे, अरे यू कौन आवे तेरे पीछे? अरे लइए वे लाठी। अरे तहु मैं हूं गुल्लू, बहू का भेष बना के दूध काटू था भैंस का। अरे तेरा वाला तेरा। अरे भैंस का दूध के काटा तेने भले आदमी, इस बाबा जी का मुंह तोड़ काट दिया। भाग का बेचारा डंडे झोली फेंक के अपनी। अरे सब बम बम ना हो गई। और लाल लाल तेरी बहू भी आली भाई। हाय अंकल। हाय अंकल। सुसरे की तेरे यू सुसरों में दादसरों में लगे के अंकल पंकल बकरी है। भाई अंग्रेजी में ऐसा ही हो, चाहे लगता हो मामा या फूफा, उसे तुम एक बार अंकल कह दो, दिखे इस तरह राजी हो जाएगा जैसे उसे लंदन जाने का टिकट मिल गया हो। और बाईस बात का बुरा मत ना माने। अरे जब भाभी बीए पास है तो अंग्रेजी में तो आप ही बोल लेगी। अब हम ही देख ले तू, हम शहर के नामी ग्रामी स्कूल में पढ़े हैं पर फिर भी गांव में आके गांव जैसी बोली बोल रहे हैं। अरे इसने ना बीए करी ना एमए करी, इसने तो भाई वो किताब पढ़ी है जो रेलों में और मोटरों में बिके, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स।
पड़गी अंग्रेजों की फूफी मेरे पल्ले। अरे इडियट मेंटल हाफ माइंड, मैं तेरे पल्ले क्यों पड़ती? वो तो तेरे फादर मेरे फादर की दुकान पर दूध डालने जाया करते थे और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया करते थे, मिस्टर रावत जी सोनिया को तो आप मेरे घर की दुल्हन बनाकर मेरे घर की शोभा बढ़ा दीजिए, वरना मेरी शादी के लिए तो 50 ऑफर आए थे। अरे ऑफर ना, मेरे ससुरे लोफर आए होंगे तुझे पसंद करने। ससुरों का आजकल के छोरों का जातर तो कुछ है ना, इसलिए उन्हें बहू भी पिलिया वर्गी चाहिए ना। तो हमारी दादी ने देखो, हमारी माँ ने देखो, या हमारी फूफी ने देखो, केली आवे खाट पे, ये लुगाई है, ये तो दीमक खाई है, मेकअप करके इस तरह लगे जैसे लत्तों की दुकान पे प्लास्टिक की मूरत खड़ी हो। ओ माय मदर, ये मेंटल कितना एक्स्ट्रा बोल रहा है, आज मुझको गॉड गिफ्ट तो समझ नहीं रहा, मेरे अंदर 1000 कमी निकाल रहे हैं गेस्टों के सामने। अरे कौन मारा ससुरा गोबर गिफ्ट को गॉड गिफ्ट समझ लेगा, चीज तो अपने भाव ही परखी जाएगी। अब कहां मैं 6 फुटा लंबा चौड़ा चौधरी का बेटा, और कहां तू शहर में रहने वाली मुंशी की बिलोटरी, मेरे दौरे ने लिकड़ती इस तरह लगे जैसे शेर की टांगों में को मुंशी लिकड़ गई हो। मैं कहती हूँ थर्ड माइंड, मेरा मतलब फिसड्डी आदमी, मेरी ज्यादा इंसल्ट मत कर वरना तेरी खटिया खड़ी कर दूंगी। अरे तू क्या खटिया खड़ी करेगी मेरी, मेरी खाट तो जाड़ो जाड़ो वैसे ही खड़ी रहे, मैं तो नीचे भी लगा के रखू अपना। ओ माय गॉड, मैं कहती हूँ इडियट मुझको ज्यादा झंड मत कर, मत कर, मत कर। देख 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 कैसे कुर्सियों को बैठी बैठी मुंडी ने मटका रही है, जैसे इसके सिर में भूत बढ़ गए हों, बाल खोल रखे, होठ लाल कर रखे। अरे पहले एक द्रौपदी ने बाल खोल लेते, महाभारत हचवा दिया, अब की सारी लुगाई बाल खोलो फिरे, और जब तो अफरा तफरी मछली है दुनिया में, कहीं गोले बरस रहे हैं, कहीं जहाज समंदर में डूब रहे हैं, कहीं रेल पलट रही है, कहीं बॉर्डर पे हथगोले चल रहे हैं। ये तो ठीक कह रहा भाई तू। मैं कहती हूँ जोकर मेरी बातें सुन ले। हाँ हाँ सुना सुना, क्या सुनाओगी? नहले का जवाब दहले से ना दू तो मेरा नाम गुलशेर से बदल के मुस्ता शेर धर दी। फिर ना तेरे हाथ आऊंगी, रणवे के साथ भाग जाऊंगी, फिर ना तेरे हाथ आऊंगी। राम करे ऐसा दिन आवे जो इस घर में तू ना पावे, मेरे तो मन की हो जावे, सोहनी सी बहू लेके आऊंगा, इस घर से तन्ने भगाऊंगा, मैं सोहनी सी बहू लेके आऊंगा, इस घर से तन्ने भगाऊंगा। रणवे के साथ भाग जाऊंगी, भाग जा फिर ना तेरे हाथ आऊंगी। टेलीविजन पे आ रहा है, बहू लिया वे बिहार से जो भी रंडवाया कुआरा है, रोज की विज्ञापन टेलीविजन पे आ रहा है, बहू लिया वे बिहार से जो भी रंडवाया कुआरा है। जब देखे मेरी जवानी कट कट के मरे जनानी, कोई मिलेगी लंगड़ी पानी जो लगे उम्र में नानी,
नैना के कुवारी दिखाऊंगा, इस घर से तन्ने भगाऊंगा। तेरे चिलतर हर कोई दूर दूर भागे, मुंह फेर के लिखने पड़ेगी तू जिसके आगे। कहीं फंसेगी जो जारों में, तन लिए फिरे ज्वारों में। ऐसा दिन आवे जो इस घर में तू ना पावे, मेरे तो मन की हो जावे। सोहनी सी बहू लेके आऊंगा, इस घर से तन्ने भगाऊंगा। सोहनी सी बहू लेके आऊंगा, इस घर से तन्ने भगाऊंगा। देखे अब इन लाली लगे रोड ने इस तरह चिपका के बैठ जा जिस तरह लकड़ी पे फेविकोल चिपक जा, ना तो तेरी गैल अच्छा नहीं होने का रांड। अरे जानवर, मैंने तेरे को हजार दफा कहा है कि तू मेरे को रांड मत कहा कर। अपना बेबी, मेरा मतलब है डेंगू भी मुझको रांड कहने लगा है। अरे तो लंका और के तेरे डेंगू ने मम्मी कहना सिखाने की खातर मैं भी तो मम्मी कहने लगू। हराम खाणी थे खूब गुस्सामंद कर करके कही थी अगर इसका नाम छोरे का डेंगू मत ना धरे, पर फिर भी डेंगू ही धरा। तेरे ससुरे का नाम ले तो मुझे तो सरसरी सी आने लगे। भैया फेर तो ठीक है रे, इसका नाम डेंगू और दूसरा उसका नाम धरिया मलेरिया और तीसरा उसका नाम धर लीजिए मियादी और चौथा भगवान देवे तो उसका नाम धर लीजिए तेईया। बस भाभी की मनचाही हो ही जाएगी। अरे तेरी भाभी की तो मनचाही हो जाएगी, पर पड़ोसियों की तो कोई ना होवे, सब मेरे से आके नींबू जन लगेंगे। भाई साहब, तुम ये बालक पैदा कर रहे हो या हमारे गांव में बीमारी फैला रहे हो? ओ आई सी, अब समझ में आई कि पुरुष गंजे क्यों होते, क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा चलता है ना। अरे तो लुगाइयों के थोड़े भी बाल नहीं ना होते, अब उनकी जीव घनी चले। भाई अपनी तूतू मैमे ने बंद करके एक सवाल बताओ मुझे। बूझ भाई के बूझे। भाई जो तुम खसम लुगाई अमरीका पहुंच जाओ और वहां तुम्हें जंगल में रुकना पड़ जावे और रात को वहां जावे भूत, तो खैर भाभी से तुम्हें क्या पूछू, तू बता तू क्या करेगा? अरे करना क्या होता, भूतों के सामने से भूत नहीं खड़ी कर दूंगा। अगले भूत भाइयों थारे खानदान की है, थारे इलाके की है, चाहे तो सिकल मिला लो, चाहे अकल मिला लो और चाहे नाक में बुलवा के देख लो, बिल्कुल भूत नहीं ना लगे तो कह दियो। अरे कर देना मेंटल, कर देना भूतों के सामने, मैं भूतों से क्यों डरूंगी जब तेरे से ही नहीं डरी तो। नारे ना भाभी ने मत मरवा दीजे, फिर ना मिले ऐसी बहू, चाहे बैटरी बाल के ढूंढता फिरिए, दिए तो आजकल खैर रहे ना। अरे ये हाफ माइंड क्या समझेगा मेरी वैल्यू, एक्चुअली ये औरत के लायक था ही नहीं, इसकी शादी तो किसी ही जड़े से होती। फिर के फर्क मारा था? अरे मैंने तो मेरे जैसे जने कितने भैया हिजड़ों की गैल फिरे, ढोलक कंधे पर लटकाओ और इसमें चोरी के है? अरे लोग तो हिजड़े से ब्याह करवा के फिर भी अपना सादा साथ लेगा, और जो लुगाई का किसी हिजड़े गैल ब्याह हो गया तो उसके कद्दू में तीर मार लेगी। भाई तुम लोग इस इज्जत के मुंह मत लगो, इसे तो बात करने का आइडिया मेरा मतलब सहूर नहीं है, एक्चुअली ये अनपढ़ है ना। देख देख बेशरम की बच्ची चोली का नाम तो बात बात पे इस तरह ले देवे जैसे चोली ने लोगों की टोपी समझ रखी हो। भाई यू चोली उना जिसे तू समझ रहा, और यू तो अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका मतलब हो दरअसल, जैसे हमें कहीं जाना हो और वहां ना पहुंच पावे किसी कारण से तो उनसे न्यू कह के पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अक भाई साहब दरअसल मैं थारे आने को तो था,
पर जिस टाइम थारी बारात जावे थी ना उस टाइम मारी भैंस नवे दूध होन कुरे कर लगे। ओ माय डियर, ये थर्ड मैन क्या समझेगा इन बातों को। देख के चाले पाट रही है चाम चिरड़ सी, हर किसी ने तो माय डियर कह के बोल ले, चाहे लगता हो रिश्ते फुप्पा यू भैंस पड़गी मेरे पल्ले। क्या कहा, आई एम बफेलो, मैं तुझे भैंस लगती हूँ? अरे और क्या, तू हंसनी है, मकान भी साल भर में बोता जावे और तू रोज गालों की बुताई करे, न्यू थोड़ी सी उजड़ी सी लगे ना तो धराई के तेरे में सिंगार करके ऐसी लगे जैसे कुड़ी पे समियाना खड़ा कर दिया। अरे इडियट, कह ले जो तेरे को कहना है, मैं क्या चुप रहने वाली औरत हूँ, मैं भी ये कह कह कर शोर मचाऊंगी। अरे के कह कर शोर मचाओगी, मचा, मैं क्या चुप बैठ जाऊंगा। कॉफी मांगे पिए न चाय, यारों ने कहवे गुड बाय, हसम ने उल्लू कथा बताए, रखे नुकता चीनी कर देवे तो हिन्नी बहु कमीनी, कर देवे तो हिन्नी बहु कमीनी। घोटन ने रेवे गड़ा ऐसी बहोड़िया से तो रणवा रहना बोला, ना करे हया ना मन कया दे तार आवरू ने, चाहे नाड़ काट के धर दो पर ना बंद करे मुँह ने, पाले नहीं नहीं सोकिनी कर देवे तो हिन्नी बहु कमीनी, कर देवे तो हिन्नी बहु कमी। कॉफी मांगे पिए न चाय, यारों ने कहवे गुड बाय, हसम ने उल्लू गधा बताए, राखे नुकता चीनी कर देवे तो हिन्नी बहु कमीनी, कर देवे तो हिन्नी बहु कमीनी।
बहू कमीनी। कर दे मुश्किल हीना खसम कमीना, कर दे वे तो हीनी बहू कमीनी। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की। अरे अरे मुन्ना, भाई तू तो बढ़िया टाइम पे आया, तेरा भला गाना भुलवा दिया यार। यू डाकिया है ना, एक लेटर दे के गया मुझे। अच्छा, यू जो अभी लिखड़ा खाकी वर्दी सी में। हाँ 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 भाई, ने कह था तेरी बहू का पर्सनल लेटर है। मैंने सोची पहले अपने भाई पे पढ़ूंगा कि पता की लिख रहा। हाँ ले देखिए यार, की लिखा है तुम्हें। ले दिखाइए, ला दिखा। हाँ भाई, लिखा इसमें, डियर सोनिया आई लव यू। सोनिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें याद होंगे वो दिन जब हम घर से कॉलेज को कहकर जाते थे और सारे दिन एक दूजे के गले में बाहें डालकर पार्कों में घूमा करते थे। होटलों में चाउमीन डोसा वगैरह खाया करते थे, बियर हाउस में बियर पिया करते थे, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखा करते थे, चोरी चोरी रामलाल हलवाई की वीरान पड़ी दुकान में मिला करते थे। हमने एक दूजे के साथ क्या नहीं किया, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन तुम उस एक रंगरूठ से आदमी के साथ शादी करके सब कुछ भूल गई। देखो मेरी जान सोनिया, अगर तुमको अपने इस अधूरे हस्बैंड से जरा सा भी प्यार है तो आज शाम 4 बजे मुझसे मिलने आ जाओ, उसी रामलाल हलवाई की दुकान में। मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगा, राजू, सिर्फ तुम्हारा राजू। अरे भाई, यू तो भाभी के किसी पुराने प्रेमी का पत्र है रे। ले उरे कुदी। हाँ ले। रे कहाँ गई तू, ओ खदा खुआर, ओ कुलू छाड़, ओ बिगड़े खानदानी, कहाँ बैठ गई तू? ओ शट अप, तुझे किसी मेंटल डॉग, मेरा मतलब है पागल कुत्ते ने काट लिया जो इतना होपलेस हो रहा है। अरे आराम कहानी, कुत्ते के काटेगा तो समय लग जावे, पर कुतिया रूपी लुगाई के काटेगा इलाज ना होता कहीं भी। ले पकड़ अपनी सौगात। ओ वेरी गुड, मेरे डैडी का खत। ना तेरे बापू का ना है। ओ आई सी, तो मेरी मदर का होगा। तेरी माँ का भी ना है। वेरी फाइन, ये लेटर मेरी सिस्टर का होगा। के कया मेरी साली का, उसने तो आज ना भेजा कोई खत तुझे और मुझे, उसका क्या मतलब? ओ तो ये हमारे किसी गेस्ट, मेरा मतलब है रिश्तेदार का खत होगा। दीदे मत ना मटकावे, अरे मैं पढ़ा होया ना हूं तो सुखबीर की तरह गुणा होया तो हूं। मैंने तेरे पढ़ने से पहले ही अपने मामा के छोरे पढ़वा लिया हूं। ले सुन के लिखा इसमें, तेरा नाम है नीचे आई लव यू, ऊपर तेरा नाम है नीचे आई लव यू, सबसे नीचे न्यू लिखा सिर्फ तेरा राजू। ना तेरे बापू की, ना तेरी मैया की, ना भाण और भैया की, ना रिश्तेदार की चिट्ठी है तेरे यार की चिट्ठी है, यार की चिट्ठी है। ऊपर तेरा नाम है नीचे आई लव यू, सबसे नीचे न्यू लिखा सिर्फ तेरा राजू। ना तेरे बापू की, ना तेरी मैया की, ना बहन और भैया की, ना रिश्तेदार की चिट्ठी है तेरे यार की चिट्ठी है, तेरे यार। तेरे यार ने भेजी है यू बेरंग चिट्ठी बेकरार ने, मिलने का टाइम लिखा तेरे यार ने भेजी है यू बेरंग चिट्ठी बेकरार ने।
तेरे यार की चिट्ठी है। नार है जिसके पीछे यारों की एक लंबी लार है। आज पता मने चला तू वो नार है जिसके पीछे यारों की एक लंबी लार है। कह रहा है गांव ले जा गुल्लू राम, कह रहा है गांव ले जा गुल्लू राम, तेरी नार की चिट्ठी है तेरे यार की चिट्ठी है, तेरे यार की चिट्ठी है। छुपा चोर है कसम तेरा मेरे तयू कोई और है। घोड़े तन में काले मन में छुपा चोर है कसम तेरा मेरे तयू कोई और है। पढ़ रहा मुन्ना बाज आरी मन लाज, पढ़ रहा मुन्ना बाज आरी मन लाज, ऐसे चार की चिट्ठी है तेरे यार की चिट्ठी है, तेरे यार की चिट्ठी है। ऊपर तेरा नाम है नीचे आई लव यू, सब ते नीचे न्यू लिखा सिर्फ तेरा राजू। ना तेरे बापू की ना तेरी मैया की, ना भाण और भैया की, ना रिश्तेदार की चिट्ठी है तेरे यार की चिट्ठी है, 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 तेरे यार की चिट्ठी है। और कैसे मुंडी गाड़ के रहेगी, क्या आ गया इस अखबार में? ओ माय स्वीटहार्ट, कितना अच्छा लग रहा है गोविंदा, ब्यूटीफुल। कैसे राल टपका होगी इसके ऊपर, उल्लू की चरखी। सच कहा किसी ने, लुगाई के नाक ना हो तो गुखान लगे। तने ये अखबार में छपी तस्वीर तो अच्छी लग रही है, और जितना जागता मैं तेरा आगे खड़ा हूँ, मुझे कभी अच्छा नहीं कहती। ओ शट अप इडियट, क्या तू गोविंदा जैसे? अरे तो राण तू ही कर अभिनय टंडन जैसी है, हमें तो जोकर से चौकी यू लग रही है। नीचे पैंट में हाथ घाल लो खड़ी है, वाह के पूरा जैसे गाल ले रही है बैरन। तू तो इसका आगे पासंग भी कोई ना। देख इस मेंटल ने कर दिया मूड ऑफ, मैं कहती हूँ अपनी चोंच को बंद कर ले वरना। वरना क्या करेगी, होगी झंड। मेरे आगे दूसरे लोग की बड़ाई करने लगी थी लंका, मैंने किसी लुगाई कर दी तो लग गए पतंगे, उछड़न लगी ऐसे जैसे तेल में पकौड़ी। ठहर जा अभी तेरे को सूट करूंगी। हाँ हाँ काट ला टैची, मैं तो नया सूट काट ला, पहन के देख लूंगा कैसा लगे। अरे 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 तो खुदा कुवार, सूट के बदले बंदूक काट लाई घर में से। अरे किधर गया, आ जा हरामजादे इडियट, आज तेरे गोली मारूंगी, तू बहुत टेंशन पैदा करता है मेरे को। अरे है के गुल्लू, ओ भाई गुल्लू। अरे अरे पीछे ने हट जा पीछे ने, ना तो गोली लग जाएगी तेरे भी। क्यों आतंकवादी आ पड़े तेरे घर में? अरे बावली पूछ, बहु से बैठ के भी आतंकवादी और उग्रवादी हो गए दुनिया में, देख कैसे बंदूक लियो पड़ी है खाट के तल। न्यू कह के घर में भागी थी, अब आजा तेरे को सूट करूंगी। मन ने सोची आज कोई गर्म सूट काट के देवेगी, मन संदूक में से यूरान काट लाई बंदूक। अच्छा रे तू जब भी खोर में इस तरह पड़ा है जैसे नाव में मल्ला लौट जावे। अरे मैं कहा भोड़िया, यूके चाले पाट रही है तू,
बंदूक तो आने खाट के नीचे पड़ी है। पीछे हट जाओ, मैंने पोजीशन ले रखी है। ले भाई, पहले वीरबान ने आसन पार्टी लेकर पड़ा करी थी, अब पोजीशन लेकर पड़न लगी। मका लाली, तेरा लोग खोर में पड़ा पड़ा चुलल चुलल मूतरा है, दिखे थाये ढोर सामने न्यारे भी न खाने के। एक काम कर, खाट के तले से लिकड़िया और इस बंदूक ने घर में धर दे, दिखे तेरी पैंट भी सारी धूल माटी में होगी। नहीं अंकल नहीं, आज इसे सूट करूंगी। हाँ हाँ, खत्म ना सूट करके तो तू बड़ा कश्मीर जीत लेगी। अरे न्यू बता, मैं लगू तो तेरे ससुरों में हूँ, और तू जन क्या कह रही अंकल संकल। मका भोड़िया एक बात सुन ले, यू तेरा लोग ही है जो तेरा आगे रीच की ढाल फूद के, ना तो जो मन तेरे दिमाग खाए पाछे पे एक लाठी मार दी ना तो पैंट पहनने भी भूल जावेगी, धोती भी चोरी करके बांध देगी गद्देदार। ओ शट अप मेंटल, क्या बकता है तू, गेट आउट। मैं कहती हूँ गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे जाता है कि एक गोली तेरे नाम की डालो इसमें। अरे तो तू क्यों बंगा लेने लगा खामगा बिना मतलब, हमारी वीर मर्द की लड़ाई है, जा तू अपने घर हो जा। शाबाश बेटे। अरे लंका बेटा कह रही है मुझे। ओह माय डार्लिंग, सब चलता है मॉडर्न युग में। ले भाई हद होगी, मेरा शेर, मेरा दिलदार, मेरा छल छबीला कहते सुनी हमने, पर लुगाई लोग ने बेटा कहती कदी ना सुनी। देख ले, करवा देना हस्ती मेरी गांव के आदमियों के सामने, तू चोखी अंग्रेज की फूफी पड़ी मेरे पल्ले। लाला दिखे इसे किस दिन दिल्ली ले जा लाल किले के सामने, वहां भते अंग्रेज फिर है, कोई ले जाएगा मिनटों में सेटिंग करके, कटेगा तेरी जान से कुकड़ा। अरे बुड्ढे, तुमको क्या एलर्जी हमसे, ये मेरा हस्बैंड, मैं इसकी वाइफ, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले। अरे न्यू तो हम भी जाने अकी तेरा हस्बैंड है, पर एक बात बता, जब तू इसका रात तो धड़ाधड़ बैंड बजावेगी तो पड़ोसी तो परेशान होवेंगे। अरे तो यू तई के बरगी ना है, यू स्टैंडर्ड लुगाई है, तू के लेवे बेर बेर लाठी ठाएगा इसकी ओर ने। भाई क्यों ना लेवे, यू स्टैंडर्ड पड़ा शहरों में चले, गांवों में कौन चलता, हम तो तमने तंग कर रखे हैं। कैसे तंग कर रखा, क्या बात तू हमने। ले सुन ले। सुना राड़े थारी किस बात पे कोई धोरे ना कोई साजे, राड़े थारी किस बात पे कोई लवे ना कोई साजे, फिर भी थारा क्यों आपस में जूत हमेशा बाजे। 11 बजे कदी 12 बजे, 11 बजे कदी 12 बजे, 11 बजे कदी 12 बजे, 11 बजे कदी 12 बजे। राड़े थारी किस बात पे कोई धोरे ना कोई साजे, फिर भी थारा क्यों आपस में जूत हमेशा बाजे। 11 बजे कदी 12 बजे, 11 बजे कदी 12 बजे, 11 बजे कदी 12 बजे, 11 बजे कदी 12 बजे। के बटे है थारा मन इतना बता दो, कोई राज है न्यारा तो उसे सुना दो। घनी देखी लड़ाई पर थारे न जैसी, थारी तो समस्या कश्मीर के जैसी। गोली कट्टे चले हैं थारे सिर पे काल विराजे। 11 बजे कदी 12 बजे, 11 बजे कदी 12 बजे, 11 बजे कदी 12 बजे, 11 बजे कदी 12 बजे। सोन दो के रागी उथारा, तम से तो तंग है मारा गामी उसारा। लड़ो आपस में घना रोड़ा ठाओ, अपने झगड़े में मारी नींद उड़ाओ। के बताओगे जो तमसे कोई भी पूछे ताजे। 11 बजे कदी 12 बजे, 11 बजे कदी 12 बजे, 11 बजे कदी 12 बजे, 11 बजे कदी 12 बजे। तन तन बातों पे
अरे चल जाऊं के सारी रात मचाओ तम रखो रुके कह मुन्ना तमसे तंग गाम सिहाई तम रातो कोसे यहाँ मर्द जनानी इस तरिया तम लड़ो हो जैसे दो देशों के राजे ग्यारह बजे कदी बारह बजे 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 लाड थारी किस बात पे कोई धोरे ना कोई साजे लाड थारी किस बात पे कोई धोरे ना कोई साजे फिर भी थारा क्यों आपस में जूत हमेशा बाजे ग्यारह बजे कदी बारह बजे 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 जब जब मियाँ बीबी की तकरार होती है मियाँ बाहर होते हैं बीबी अंदर होती है वेयर आर यू अरे कहाँ हो तुम हैंड्स अप अरे तेरा ना आजा तेरा तुम तो मैं डरा दिया था इस तरह तो पुलिस वाले कह रहे हैं जब उन्हें किसी खतरनाक आदमी की तलाशी लेनी हो अरे तो क्या पत्नी पति के लिए पुलिस से कम होती है सच पूछो तो पुलिस तो क्या पत्नी तो पति के लिए पीएससी होती है पीएससी जिसको डंडा मारने का खुला ऑर्डर होता है मारू डंडा या करता है दोनों हाथ ऊपर अरे ऊपर ने हाथ करवा के मेरा पजामा उतारेगी मनाज ने कर बिना पैर रखे नीचे ओ आई सी कितनी कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि क्या मेरा पजामा उतारेगी आखिर तेरे पजामे में रखा क्या है मैं कहती हूँ उसे सुन सुना पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा अल्लाह मेरे अल्लाह अरे और चाव के है तो श्रीदेवी की फूफी मैं तेरी पॉकेट में हाथ डालना चाहती हूँ पॉकेट में अच्छा अच्छा तू मेरे पजामे में हाथ डालना चाह रही है ना हवाई ना देख सोनिया यू मजाक बर्दाश्त नहीं होनेगी मेरे हो मैं गुलगुली हाँ ओ इडियट कैसे दांत निकाल रहा है भैया पॉकेट पजामे ने कोना कहते पॉकेट कहवे इंग्लिश में जेब ने भाभी तेरी जेब में से कुछ काटना चाहवे जेब में से हाँ जेब में के छोड़ रखा इसने रोज खकोट ले वे फिलहाल तो मेरी जेब में एक मंडल पड़ा जिसमें दो तीन बीड़ी होंगी और एक माचिस पड़ी जिसमें सात आठ तिल्ली होंगी इसमें हाथ ठवाने की जरूरत है ले देख ले ओफो तुम तो बड़े हाफ माइंड हस्बैंड हो अरे पति के हाथ ऊपर कराने से पत्नी की अपनी सेफ्टी है लेकिन तुम तो कुछ समझते नहीं तुम तो एकदम डंकी हो डंकी डंकी ले भाई मन्ने नास की डंकी बता रही है मन्ने कौन से डंक मार दिया भाई इसके भाई अंग्रेजी में डंकी गधे ने कहवे है भाभी तने गधा बता रही है खैर इस बात का तो मलाल ना यू पढ़ी लिखी है तो डंकी कह दे वे मैं अनपढ़ू तो डंकी नहीं कह दू अरे शुद्धि सी बात है जब डंकी माने गधा हो तो डंकनी माने गधैया तो होती होगी Oh, you are bloody fool! यो ही ना बात आज बांधी तने यारों को आगे फूल कह के मेरे सिर पर पगड़ी सी पर न्यू बता सोनिया तने में फूल मानना किस चीज का चमेली का गुलाब का सूरजमुखी का या कमल का भैया फूल ना मानना बाबे ने तू कहा गोभी का भी हैं? यू तो तुमने अंग्रेजी में नू कह रही है तुम तो बड़े बेवकूफ हो अच्छा चोखा जो मैं दिल्ली से तेरे यहाँ छुट्टी बिताने आ रहा हूँ और जैसे अंग्रेजी में भाभी के उसका हिंदी में रूपांतर बता रहा हूँ नी बाद में तो जने के उल्टी सूदी भोगती होगी भाभी तुझे अच्छा रे अरे रानू रे ना तने एक दिखे कम से कम मेहमान पर होने का तो लिहाज कर लेकर मेरी लंका ओ इडियट मेंटल हाफ माइंड मंकी रट मैंने तुझे क्या कह दिया ये तो सब चलता ही रहता है मॉडर्न युग में मका तेरे इस मॉडर्न युग ने तेरी टाइट पैंट में ठूस दूंगा कलजी भी दे दूंगा तेरे मुंह में किसने इस तरह बुक गया खड़वा जिस तरह भैंस ने नाल देवे राम खानी दूध का हिसाब तो लगाना आता नहीं दूध या दे जावे 1900 और मेरा क्या अंग्रेजी झाड़े है अंग्रेजनी जा लौट जा भीतर जाके चुपचाप अजी कहाँ हो तुम ओ लेकिन ये अजी अजा सुनने वाला नहीं है मैं कहती हूँ किधर है तू ओ गधे अरे तेरे मुंह में पड़ जा कीड़े आज फिर गधा कह रही है मन्ने अरे इस बात का शुक्र मना कि मैं तेरे को कुछ तो कह देती हूँ वरना तू तो कुछ कहलाने लायक ही नहीं है इस मॉडर्न युग में
मका ओली सोली मतना बोल ले करे लंका पति परमेश्वर हो चाहे युग नवा हो चाहे पुराना हो रोज नवे नवे नाम काट है राम खानी कदी उल्लू कदी गधा कदी चूहा कदी बंदर हिंदी में ना तो अंग्रेजी में पेल देवे भैया इस बात की तो खुशी मना अक भाभी तेरे रोज नवे नवे नाम काट है लेती कुछ ना है ना तो नाम काटने के पंडित जी 151 रुपए लेवे हैं और तू फिर भी भाभी से लड़े। एक्चुअली मैं इससे यही तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि तू घर में पड़ा पड़ा मेरा माइंड मत चाटा कर, कुछ नया करके दिखा। दुनिया को देखो कितनी आगे निकल गई। जिस पे साइकिल नहीं थी उसने स्कूटर ले लिया, जिस पे स्कूटर नहीं था उसने कार ले ली, जिनके कच्चे मकान थे उन्होंने पक्के बनवा लिए। सपोज करो जो चीज आज से 20 साल पहले थी वो आज है नहीं, और अगर है भी तो दाम दुगने तिगने हो गए। सुन लो इस अंग्रेजनी की बात के पूरे से सटक रही है। अरे लंका तू हमें न्यू बता अक सारी चीज दुगनी तिगनी कैसे होगी। आज से 20 साल पहले 100 का नोट 100 में चले करे था, आज भी 100 में ही चले। देखो देखो इसका मंकी जैसा फेस देखो, रखेगा मिटांग ऊपर ही। अरे मेरी टांग ही तो ऊपर ना होती तन्ने कदी, ना तो तेरे ऊपर धर के इस तरह खड़ा हो जाता जैसे अंगद हो गया था रावण के दरबार में, और तेरे पीर में गेर देता खत, मेरी टांग उठा दो और अपनी धीना बचा दो। अरे मैं कहती हूँ टांगे तो टांगे, अगर तूने मेरे पे हाथ भी उठा दिया ना तो जब देखना तेरा क्या हशर करती हूँ। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो खसमों से पीट कर रोने सुबकने लगती है, मैं तो बराबर पीट कर दम लूंगी। क्यों भाभी ऐसे तेरे कौन से 6 हाथ पाम है जो तू और औरतों में से ना है। अरे मेरे डैडी ने मेरे साथ काफी मेहनत की है, पहले मुझे गाँव के स्कूल में पढ़ाया, फिर सिटी में दाखिला दिलाया, और फिर कराटे सेंटर में जूडो कराटे सिखलाई, और चलती दफा मेरे डैडी ने कहा जाओ माय डॉटर ये सब फार्मूले तुम्हारे काम आएंगे मॉडर्न युग में। के क्या तेरे बाप तुझे मोटर कहवे था। अरे उल्लू मोटर नहीं डॉटर, डॉटर डॉटर माने बेटी। अरे आराम की बच्ची उल्लू कह रही है, आज आज तेरी मालिश करी दूं। हाँ हाँ आजा, कौन डरता है तेरे से रैट, मेरा मतलब चूहे। ले तो आराम खानी तेरे भसरे में मारू एक थप्पड़। अरे ये तो आराम खानी उगागी बार, देख कैसे लट्टू की तरह घूमगी, ले अब क्या ले तो। अरे रान तार की सिर पे ने टांग को पूरी बुरसेल की फुप्पी बन रही है। अरे धोती हो तो उलझ के गिर पड़े, टाइट पैंट पहरे रान सातलों में चिपकी रह, ले अब क्या ले। शट अप मंकी डंकी रैट, अब मेरे बार झेल। अरे भैया मर गया। अरे आराम खानी एक सांस में कई मुक्के मार दिए पसलियों में, और ले। अरे मर दे रे, अरे मर गया रे, कुडब्बी जगह लात मार दी अब क्या तो। अरे हट हट, अरे भाभी तेने तो कतई हद कर दी, तू तो मुक्केबाज टाइसन की तरह अपने आदमी का कूद कूद कर उछल उछल के लात घुस से बजान लग रही है। तुम हट जाओ मॉडर्न युग में ऐसा ही होता है। अरे भाड़ में जावे तेरा मॉडर्न युग, तेने तो इसकी रूई सी धुंधी। अरे भाई तू दूर खड़ा रे, मुझे बहू ने मारा इस बात का मलाल नहीं है, मलाल तो इस बात का है कि तेरा आगे मारा। भाई कायर बहुत देखे पर तेरे तो घाट घाट देखे सब। वाह वाह गधे पे पार ना बताए, गधैया का कान ऐठन लगे, मैं कैसे कायर हूँ, तेरी बहू की गलती है इसमें। ठीक कह रहा भाई, जब अपना लोहा खोटा दोस्त किसे दे, गलती तो इसी की है, पर इसकी गलतियां सारे गांव ने बताऊ रुक कर दे देगा। हाँ बता। नासन 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 नासन, अरे यू नासन 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 नासन, इसे मैं जब से घर में लाया चैन से ना मन टुकड़ा खाया, इस कड़ीहारी नारन में ब्याह के बजताया, इसे मैं जब से घर में लाया चैन से ना मन टुकड़ा खाया, नासन 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 नासन, अरे यू नासन 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 नासन।
थाने को न्या कहना करे है मनमानी, अंग्रेजी में गाली देवे मर जानी, रखे मेरी गल्या यू खेचा तानी। मेरे ऊपर इसने कई बेर हाथ उठाया, इसे मैं जब से घर में लाया चैन से ना मन टुकड़ा खाया। नासन 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 नासन, अरे यू नासन 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 नासन। ना सोचे यू खसम लगे तेरा, तम सब के आगे अपमान करे मेरा, ऊपर ते ठाके कई बेर तड़े गेरा। मुन्ना बाज कवि ने कई बेर मुझे छुटाया, इसे मैं जब से घर में लाया चैन से ना मन टुकड़ा खाया। इस कड़ियारी नारन में ब्याह के बजताया, इसे मैं जब से घर में लाया चैन से ना मन टुकड़ा खाया। इसे मैं जब से घर में लाया चैन से ना मन टुकड़ा खाया। इसे मैं जब से घर में लाया चैन से ना मन टुकड़ा खाया। अच्छा रे यू बात है भाई, ले मैं भी करूंगा बाप भी साथ एक बात। क्यों री भाभी तू एक बात बता, अरे औरों ने तो तुम माई डियर फ्रेंड और डार्लिंग कहवे है, और अपने लोग ने मारे जूतों से। यू कौन सी पढ़ाई पढ़काई है तू पीहर में, या रिसर्च कर रही है अपने लोग ने मार मार के। अरे लाला एक बात और सुन, देखे मेरी उम्र 50 साल के लपेट की है, मैंने लुगाई अपने लोगों पर हाथ ठाती बतेर देखी, पर दिखे टांग ठाती कोई ना देखी। इस भोड़िया ने मेरे आगे कई लात मारी है उछल उछल के अपने लोग के। सारा मोहल्ला मुझे ही दोष देने लगा, अब मैं क्या करूं? अरे करती के अपने खसम की खुशामंद कर ले। अच्छा अभी करती हूँ, आई एम सॉरी। चलो उठो और चारपाई पर लेटो। अरे लंका सिर ने बोल के सॉरी कह रही है, टल जा मेरी आंखों के आगे से। ऐसे खड़ी हुई जैसे तड़पते हुए रावण के सिरहाने लक्ष्मण आ खड़ा हो गया था। ओहो एक्चुअली ऐसा तो होता ही है मॉडर्न युग में। प्लीज माइंड मत क्या करो इन बातों को, माय हस्बैंड दी ग्रेट, मेरे पति कितने अच्छे हैं। क्या कहा पति? पति तो पता ना कौन बनेगा तेरा। सुन ले मेरी बात, मैं ना बनूंगा नकटी तेरा खसम आज के बाद, तेरी खाट पे ना धरूंगा कदम आज के बाद। ओफो चलो खाट पे नहीं लेटते तो मेरी गोदी में सिर रख लो, मान लो ना मेरी रिक्वेस्ट को। तेरी गोदी में सिर धर लूं? अरे उस वाली करवा दे, अब सोया भी तो सांप के भट पे। अरे तेरी गोद में सिर धरना तो इस तरह है जैसे रेल की पटरी पे नायर धर दियो। ओ माय गॉड कितना इडियट हस्बैंड पल्ले पड़ा है। मैं कहती हूँ उठते हो या नहीं, मुझको गुस्सा मत दिलाओ नहीं तो लेटे लेटे मैं 100 और कस दूंगी। मका भोटिया इतना अनर्थ मत ना कर, भली आदमन तू न्यू तो सोच, अगर आगे पड़ा तो शेर ने भी ना खाया। राड में राड मत बढ़ाओ, अपना मेल मिलाप कर लो। देखे मेल में रेल चले है, झगड़े में तो जाम ही लगा मिले। हाँ भाभी अब मेरी भी छुट्टी पूरी होगी, मैं भी अपने घरों जाऊँ हूँ, कर लो अपना मेल मिलाप। अब तुम ही बताओ ना मैं किस तरह मनाऊ, ने ये तो मानते ही नहीं। भाभी भैया तो मना मनाया है, तू इनके आगे नार उठा के बात मत ना करे कर। अरे नार उठा कर तो मैं इसलिए बात करती हूँ कि ये मेरे से लंबा है। देखे बात सुन लो, आजकल दिमाग की बुखार का जोर वैसे चल रहा है, तुम दिमाग को मैं घनी टेंशन मत ना भरो, अपने हाथ मिला लो। बढ़ा रहे गुल्लू बहू की अपने हाथ। अच्छा भाई ले, जब सब कह रहे तो ले मिला ले हाथ। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर।
देखो देखो देगी ना अंग्रेजी में गाली फेर। अरे गाली ना दी भले आदमी, नू कह रही हैप्पी न्यू ईयर, इसका मतलब नया साल मुबारक हो। अच्छा नया साल मुबारक हो, चल तुझे ये मुबारक हो। पिछले साल में तो बतेरे लड़े, अब कसम खा ले आगे नहीं लड़ेंगे इस साल में, आजा गले मिल ले। ले। और दिखे भाभी मेरी तो हाथ जोड़ के राम राम है, आइंदा भैया से कभी मत लड़िए। अच्छा भाभी, और भैया तू भी मत लड़िए भाभी से दिखे कभी, और मेरी दोनों को फिर दोबारा हाथ जोड़ के राम राम है। अरे मैं कहाँ लड़ू, लड़े तो यू है मेरी गैल। मेरी कुछ शर्तें, उन्हें मान लो फिर मैं कभी नहीं लड़ूंगी। बता क्या शर्तें तेरी। मंकी मेंटल कहने का दे छोड़ रहा।
गाड़ी छोड़ दूंगा। दो डाल गली